सो गाइस इस वीडियो में देखते हैं कि हम चेकबुक्स ऐसे क्रिएट करेंगे जेटपेक कंपोज के अंदर, और सच को तो बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है यहाँ पे। अब इसमें देखो करने वाला क्या होंगे, सबसे पहले मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे, जिसका नाम क्या है चेक बॉक्स स्क्रीन करके यहाँ पे। अब ये मैंने यहाँ पे फाइल क्रिएट कर ली। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, मुझको यहाँ पे एक कंपोजर फंक्शन भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्या करो, चेक बॉक्स स्क्रीन करके यहाँ पे एक कंपोजर मैंने फंक्शन क्रिएट कर लिया। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है यहाँ पर, कि अगर मुझे एक चेकबॉक्स क्रिएट करना है तो क्या करो, पहले सबसे पहले एक बॉक्स यहाँ पे क्रिएट करो, जिसका फिल मैक्स यहाँ पर साइज मैंने पास कर दिया, और इस कंटेंट अलाइनमेंट है ना, इसका यहाँ पे कंटेंट अलाइनमेंट वो यहाँ पर सेंटर पास कर दो, इस तरीके से कुछ यहाँ पर। अब देखो चेकबॉक्स क्रिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है, क्या करना है यहाँ पर, एक चेकबॉक्स अगर क्या होता है, कंपोजर फंक्शन ऑलरेडी प्रोवाइड करवाता है आपको, देखो इस तरीके से यहाँ पर। ये कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ है यहाँ पर। अब ये जो जैसे हमारा रेडियो बटन था ना, वैसे ही ये काम करता है और कुछ नहीं काम करता। चेक जो है यहाँ पर एक बूलियन वेरिएबल है यहाँ पर, और जो ऑन चेक चेंज क्या है यहाँ पर, इसकी वैल्यू को अपडेट करने का काम कर रहा होगा यहाँ पर। बाकी मॉडिफायर है, इनेबल है, और कलर भी हमें देना तो दे सकते हैं यहाँ पे, जो कि बहुत ज़्यादा इजी यहाँ पे। लेकिन अभी देखते हैं चेकबुक कैसे वर्क करता है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे जो चेक है यहाँ पे एक वेरिएबल है, एक बूलियन वेरिएबल लेगा अपने अंदर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक म्यूटेबल स्टेट क्रिएट करना पड़ेगा, जो क्या करेगा इसके स्टेट को अपने पास रख पाएगा यहाँ से। तो क्या करो, सबसे पहले एक यहाँ पे ऊपर जाके वेरिएबल क्रिएट करो, नाम क्या है चेक करके, और बाय रिमेंबर म्यूटेबल स्टेट ऑफ, मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, बाय डिफॉल्ट मैंने फॉल्स दे दिया इस चीज़ को, इस तरीके से मैंने काम किया। अब क्या करो, इस चेक के अंदर चेक पास कर दो, और इस ऑन वैल्यू चेंज मुझे कुछ नहीं करना है यहाँ पे। क्या करेगा ये देखो, ये बूलियन रिटर्न करवाने का काम करेगा, अगर चेक है तो ट्रू करेगा, अगर अनचेक है तो क्या करेगा फॉल्स रिटर्न करवा देगा यहाँ से। तो क्या करो, इस चेक के अंदर मैं करूँगा इट पास कर दूँगा इस तरीके से, तो मेरा काम बन चुका है यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, इस चेक बॉक्स स्क्रीन को यहाँ पे कॉल करना है अपने मेन एक्टिविटी के अंदर, चेक बॉक्स स्क्रीन करके। अब एक बार इसको रन कर लेते हैं। तो देखो मेरा यहाँ पे सिंपल सा एक चेकबॉक्स क्रिएट कर हो चुका है, जब मैं इसको अनचेक चेक यहाँ पे कर सकता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है यहाँ पे। लेकिन गाइस अभी आपने एक चीज़ नोटिस करी, पहली बात तो ये जो चेकबॉक्स मैंने क्रिएट किया है ना, इसको हम लोग ना राउंडेड नहीं कर सकते, जैसे चेकबॉक्स डिफॉल्ट बैठा है ना वैसे ही रहेगा यहाँ पे। सपोज मान लो कि मुझे कोई एक कस्टम चेकबॉक्स क्रिएट करना है, जिसके अंदर कुछ अलग टाइप का शेप है कुछ ऐसा यहाँ पे, बट इस केस में हम लोग कुछ ऐसा कर ही नहीं सकते, ये जो बाय डिफॉल्ट चेकबुक ऐसा है ना, तो ऐसे ही बना रहेगा यहाँ पे। अब मेरी बात आती है, अगर मुझे कोई कस्टम चेकबुक्स क्रिएट करना, तो मैं वो चीज़ें कैसे कर सकता हूँ यहाँ पे जेटपेक कंपोज के अंदर। सच कहूँ तो बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है, हम लोग क्या करेंगे अभी एक कस्टम चेकबुक्स क्रिएट करने वाले हैं। अब वो देखते हैं कि वो हम लोग कैसे करने वाले हैं। देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे सबसे पहले नीचे आ जाओ यहाँ पर। अब क्या करो, यहाँ पर एक कंपोजर फंक्शन क्रिएट करो, जिसका नाम क्या है कस्टम चेक बॉक्स करके कुछ यहाँ पर बना लिया। अब ये कुछ अपने अंदर पैरामीटर लेगा, पहले मान लो कि मैंने पैरामीटर दिया मॉडिफायर करके कुछ एक, अगर मॉडिफायर कुछ चेंजेस करनी तो हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। सेकंड पैरामीटर आएगा सेलेक्टेड, कि ये सेलेक्टेड है कि नहीं है, ये हम लोगों को यहाँ पे पास करना पड़ेगा, और आई थिंक और मुझे कुछ नहीं करना है यहाँ पर। और एक हमें और पैरामीटर देना पड़ेगा, जो क्या है यहाँ पे, एक हाई ऑर्डर फंक्शन होगा जो उसकी वैल्यू को अपडेट करने का काम कर रहा होगा यहाँ पे। तो अगर ऑन वैल्यू यहाँ पर ऑन वैल्यू चेंज करके मैं यहाँ पर एक हाई ऑर्डर फंक्शन क्रिएट करने वाला हूँ, जो कि क्या है यहाँ पर बूलियन ऐसा पैरामीटर लेगा, और रिटर्न करवाया क्या है यहाँ से यूनिट करके। परफेक्ट, इतना देखो काम हो चुका है। अब देखो अगर मैं नीचे यहाँ पर आऊँगा ना, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे मुझे एक ना चेक बॉक्स यहाँ पर क्रिएट नहीं करना है यहाँ पर। अब देखो मुझे कस्टम चेकबॉक्स क्रिएट करना, तो क्या कर सकते हैं इसके लिए, देखो ये बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाला है, बिकॉज हम कुछ नए कोड के अंदर एक कस्टम चेकबुक क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे। देखो क्या करो, सबसे पहले एक बॉक्स क्रिएट कर दो यहाँ पे, बॉक्स क्रिएट कर दिया। अब बॉक्स क्रिएट करने के बाद क्या करना पड़ेगा मुझको, एक पहले बैकग्राउंड यहाँ पे दे दो, तो मॉडिफायर ये पास किया डॉट बैकग्राउंड मैंने यहाँ पे पास कर दिया। अब बैकग्राउंड कलर मुझे पास करना है, ये सब चीज़ें पास करनी है यहाँ पे। देखो अब क्या करो, सबसे पहले तो एक पहले इफ कंडीशन लगा लो, मैंने बोला सेलेक्टेड हो ना, तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना वो मान लो मैंने पर्पल कुछ 200 पास कर दिया, एल्स में क्या करो ट्रांसपेरेंट पास कर दो, क्योंकि मुझे चेकबॉक्स का बैकग्राउंड कलर भी पास करना है यहाँ पे, ऐसा कुछ करके मान लो। अब इसकी जो शेप होती है, शेप शेप मुझे मान लो कि मुझे कुछ राउंडेड कॉर्नर शेप कुछ देना है तो दे सकते हैं यहाँ पे। अब मान लो यहाँ पे राउंडेड कॉर्नर शेप मान लो मैंने 8.dp प्रोवाइड करवा दिया यहाँ से, तो ये कुछ इस तरीके से पास कर लो, ये पहला काम हो गया। सेकंड काम क्या करो, यहाँ पे एक बॉर्डर प्रॉपर्टी भी होती है तो बॉक्स के पास, तो अगर मुझे किसी चेकबॉक्स का बॉर्डर भी देना है तो हम लोग बॉर्डर भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो इसमें क्या आएगा आपका, एक बॉर्डर स्टॉक आने वाला है, तो बॉर्डर स्टॉक मान लो मैंने 2dp दे दिया इसको यहाँ पर। और सेकंड पैरामीटर जो इसका होने वाला कलर होने वाला है यहाँ पे, तो कलर मान लो क्या दे सकता हूँ यहाँ पे कि
लाइक किसका कलर हो गया मान लो पर्पल, मान लो 700 मैंने प्राइस कर दिया। और इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम क्या है, शेप करके। तो शेप यहाँ से हम लोग दे सकते हैं शेप यहाँ पर जो कि राउंडेड कॉर्नर शेप, और इसको भी क्या करता हूँ 8.dp में इसका शेप प्रोवाइड करवा देता हूँ। देखो ये मेरा काम बन चुका है। अब उसके लिए कर सकते हैं यहाँ पे इसका साइज दे सकते हैं। तो मेरे पास क्या होगा यहाँ पर आएंगे डॉट के, यहाँ पर डॉट साइज पास करेंगे जिसका नाम मान लो 30.tp में इसका साइज प्रोवाइड करवा दिया। अब देखो एक और यहाँ पे समझने वाली बात यहाँ पर क्या है कि जो बॉक्स बनाया ना मैंने यहाँ पे, तो पहले आपको बैकग्राउंड कलर देना पड़ेगा, फिर बॉर्डर देना पड़ेगा, फिर आपको साइज देना पड़ेगा। मतलब बैकग्राउंड और बॉर्डर के बाद आपको साइज प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। अगर आप पहले साइज प्रोवाइड करवाओगे ना तो आपका बैकग्राउंड और बॉर्डर ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं होगा यहाँ पे। तो इस सीक्वेंस का भी ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर। तो एक कॉमा देखे यहाँ पे कर दो, एक कंटेंट अलाइनमेंट इसको सेंटर पास कर दो यहाँ पे इस तरीके से कुछ। अब देखो मैं कहने वाला क्या हूँ कि इस बॉक्स के अंदर ना मैं एक ना एक आइकन देने वाला जो कि चेक का आइकन होने वाला है यहाँ पर। अब मैं चाहता हूँ कि जब मेरा चीज़ सिलेक्टेड रहे तभी वो शो हो, अदरवाइज शो ना हो यहाँ पे। तो मैंने किया एक कंडीशन है, इफ अगर ये सिलेक्टेड है तो भी आप एक आइकन दिखाओ यहाँ पर, वो भी सेंटर के अंदर। बोला ना आपने कंटेंट अलाइनमेंट को यहाँ पे सेंटर कर दो यहाँ पे इस तरीके से। तो क्या करना है भाई, देखो यहाँ पहले आइकन लगाना पड़ेगा यहाँ से, और आइकन के अंदर आपका आएगा इमेज वेक्टर आइकन्स, आइकन्स डॉट डिफॉल्ट डॉट करके यहाँ पर चेक लगाना पड़ेगा इस तरीके से। मैंने चेक पास कर दिया, कंटेंट डिस्क्रिप्शन को यहाँ पर नल पास कर दो, एंड यहाँ पर टिंट आएगा क्या मान लो, मैंने टिंट दे दिया यहाँ पर वाइट, इस तरीके से मैंने प्रोवाइड करवा दिया यहाँ पर, जो कि बहुत ही ईजी लग रहा है। अब देखो मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यू को अपडेट भी तो करना पड़ेगा। तो वैल्यू को हम लोग अपडेट कैसे कर पाएंगे, कुछ नहीं करना, बॉक्स में मुझे क्लिकेबल लगाना पड़ेगा। तो क्लिकेबल के कैसे लगाएंगे, डॉट करके यहाँ पर साइज के बाद आ जाते हैं यहाँ पर आ जाते हैं डॉट करके क्लिकेबल। अब क्लिकेबल क्या करना है, ऑन जो ये वैल्यू चेंज है इसमें क्या कर दो यहाँ पर पहले तो, कि अगर सेलेक्टेड है तो अनसेलेक्टेड करो, अगर सेलेक्टेड नहीं है तो सेलेक्ट कर दो यहाँ पे इस तरीके से। इसकी वैल्यू को ट्रू और फॉल्स में यहाँ पे करने वाला हूँ। तो इस तरीके से मेरे बेसिकली मेरा काम होता है यहाँ पे। अब क्या करना है, इस चेक पोस्ट को यहाँ पर कॉल करना है। देखो इसको यहाँ से कमेंट कर दो, इसको मैंने किया यहाँ से कमेंट कर दिया। अब नीचे यहाँ से अब इस कस्टम चेक पोस्ट को यहाँ पे कॉल कर दो। अब पहले बोला सेलेक्टेड करके, सो सेलेक्टेड मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, इस चेक को यहाँ पे कॉल कर देना है बस। यहाँ से कॉल कर दिया कि बाई डिफॉल्ट सेलेक्टेड है कि नहीं है, तो अभी मैंने नहीं दे रखा यहाँ पे। अब जो लास्ट जो पैरामीटर आएगा ऑन वैल्यू चेंज आएगा, तो चेक करके यहाँ से जो इसकी इट पास कर दें यहाँ पे। इस तरीके से मेरा काम बन चुका है। अगर मैं अब यहाँ पे एप्लीकेशन को पहले रन कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या इसका रिजल्ट आता है। देखो तो यहाँ पे एप्लीकेशन बन चुका है। अब देखो ये देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ पे इस तरीके से। तो इस तरीके जो आप चेकबुक्स क्रिएट करो तो आप खुद कस्टम क्रिएट कर सकते हो, आपके पास बाय डिफॉल्ट नहीं प्रोवाइड करवाता जेटपे कंपोज यहाँ पे। तो इस तरीके कई सारे यूआई जो आप खुद से कस्टम क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे, जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी लग रहा है देखने के अंदर। तो बस यही था यहाँ पर कि हम लोग कस्टम चेकबुक कैसे क्रिएट करते हैं जेटपे कंपोज के अंदर।